हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे और अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज का एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक चैलेंज क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर प्रशासन की अधिसूचना के अनुसार अधिवासन के लिए पात्र होने के लिए जम्मू कश्मीर में निवास की न्यूनतम अवधि क्या है? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज की। फर्स्ट क्वेश्चन, 22 मई को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं, विश्व जैव विविधता दिवस, विश्व विज्ञान दिवस, विश्व महात्मा दिवस या विश्व ब्राह्मण दिवस। तो इसका आंसर है ए, विश्व जैव विविधता दिवस। इसके अनुसार 22 मई को विश्व भर में विश्व जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है प्राकृतिक एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2000 को 22 मई को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2000 को 22 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया था। इसके पीछे यूएनओ का मुख्य उद्देश्य यह था कि विश्व में सभी लोगों को जैव विविधता के प्रति सतर्क किया जाए, जिससे विश्व की जैव विविधताएं बनी रहें और उनका संरक्षण किया जा सके। और इसकी जो थीम है यह है आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर इस वर्ष की। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किसने चैलेंज कोविड-19 प्रतियोगिता C3 की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं ए, ICSR, WHO, NIF या SEBI। तो आंसर है सी, NIF। इसके अनुसार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST के एक स्वायत्त शासी निकाय नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन भारत ने चैलेंज कोविड-19 प्रतियोगिता यानी चैलेंज कोविड-19 कॉम्पिटिशन, इसको C3 बोलते हैं, इसके जरिए कई SNT आधारित नवोन्मेषी समाधानों की पहचान की है। चैलेंज कोविड-19 प्रतियोगिता अभियान महामारी से निपटने के लिए विचारों तथा नवोन्मेषणों यानी नए विचार हैं जो उनको सामने लाने के लिए नवोन्मेषी नागरिकों को शामिल करने हेतु 31 मार्च से 10 मई तक चलाया जा रहा था। NIF विचारों के सृजन को और प्रसारित करने के लिए इंक्यूबेशन एवं परामर्श सहायता उपलब्ध करा रहा है। इसके तहत हैंड सैनिटाइजेशन एवं धोने के लिए पाँव से परिचालित किया जाने वाला उपकरण तथा सैनिटाइजेशन के लिए नवोन्मेषी स्फेयर इस अभियान के तहत दो समर्थित इनोवेशन हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अमेरिका के किस विश्वविद्यालय के खगोलविद ने जीवन की खोज में सहायक एक्सोप्लेनेट क्लाइमेट डिकोडर विकसित करने में सफलता हासिल की है? ऑप्शंस हैं कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, कॉर्नेल विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय या फिर येल विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर है कॉर्नेल विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी। इसके तहत अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय के खगोलविद ने जीवन की खोज में सहायक एक्सोप्लेनेट क्लाइमेट डिकोडर विकसित करने में सफलता हासिल की है। यह एक्सोप्लेनेट क्लाइमेट डिकोडर दर्जनों किस्म के ग्रहों की सतह और सूरजों की जांच करेगा, सतह और सूरजों, विभिन्न प्रकार के जो सूरज पाए जाते हैं उनकी जांच करने के बाद इसको विकसित किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सांस्कृतिक मंत्रालय ने संग्रहालयों का पुनर्जीवन और सांस्कृतिक स्थल विषय पर किस तिथि को एक वेबिनार की मेजबानी की है? ऑप्शंस हैं 18 मई 2020, 16
16 मई 2020, 19 मई 2020 या 20 मई 2020। तो इसका सही उत्तर है ए 18 मई 2020। इसके तहत सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के संग्रहालय और सांस्कृतिक स्थलों का विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने के लिए 18 मई 2020 को संग्रहालयों का पुनर्जीवन और सांस्कृतिक स्थल पर वेबिनार की मेजबानी की है। इस वेबिनार को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने और महामारी के बाद अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस और महामारी के बाद भारत में स्थायी सांस्कृतिक संगठनों के निर्माण के लिए बातचीत शुरू करने के लिए आयोजित किया गया था। भारतीय और वैश्विक स्तर के अग्रणी सांस्कृतिक स्थानों, रचनात्मक व्यवसायों और स्टार्टअप नीति निर्माताओं और मीडिया के लिए आयोजित वेबिनार के विशेषज्ञों ने सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्देश्य के लिए आगे बढ़ने के तरीके पर चर्चा की है। इस वेबिनार के दौरान चर्चा में महामारी के जो बाद की परिस्थितियां हैं उन तंत्रों में संग्रहालयों और सांस्कृतिक स्थानों के संदर्भ में नवाचारों और बाद के संकट की योजना के विषयों को छुआ है। और नए विषय म्यूजियनोप्रिन्योर्स, इसका जो नया विषय है म्यूजियोप्रिन्योर्स, अर्थात कि म्यूजियम अपने खुद के लेवल पर इसको चलाए, इसका यही मतलब है। जैसे कि था ये आत्मनिर्भर बनना, उसी टाइप से है। और मानव को इसके तहत काम करेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेवर एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए किस देश की ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी को सुरक्षा मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड या फिर चीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। इसके तहत स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट विकसित करने के लिए सुरक्षा मंजूरी दी है। नोएडा के 5000 हेक्टेयर में फैले इस जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पर 29,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किस राज्य सरकार ने HACK नामक एक ब्रांडेड त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शंस हैं ए केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक या दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है सी, कर्नाटक। इसके अनुसार कर्नाटक के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी इसके द्वारा सुरक्षित डिजिटल दुनिया प्रदान करने के लिए HACK नामक एक ब्रांडेड त्वरक कार्यक्रम शुरू किया गया है जो साइबर स्पेस के लिए विशिष्ट है। कर्नाटक का पहला साइबर सुरक्षा कार्यक्रम भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु यानी IISC बेंगलुरु इसमें रखा गया है। और कार्यक्रम में पहले से ही 21 स्टार्टअप हैं और उन्हें 3 सहकर्मियों में विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है 3 सहकर्मियों में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं ए अभ्यास, बी रक्षा,
सी शिक्षा, शिक्षा विकास, ऑप्शन डी विकास विज्ञान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अभ्यास। इसके तहत भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का अभ्यास मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसमें स्टूडेंट को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी स्टूडेंट्स को। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थॉबेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शंस हैं ए ट्यूनिशिया, बी थाईलैंड, सी लोसोथो या डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका, डी। इसके अनुसार दक्षिण अफ्रीकी देश लोसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थॉबेन ने औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उनकी गठबंधन सरकार गिरने के बाद 80 वर्ष, ये 80 वर्ष के थे, इन्होंने इस्तीफा दिया है। वह ऑल बोसोथो कन्वेंशन ऑल बोसोथो कन्वेंशन कन्वेंशन यानी ए बी सी, इनकी पार्टी का नाम है, इसके वो नेता थे और उन पर पद से हटने के लिए दबाव डाला जा रहा था, क्योंकि उनके ऊपर उनकी वर्तमान पत्नी की हत्या के मामले भी शामिल थे। इस कदम से देश में लंबे समय से जारी राजनीतिक संकट खत्म हो गया है और थॉबेन की जगह वित्त मंत्री, वहाँ के जो वित्त मंत्री हैं मोसेट्सी माजोरो, ये इनकी जगह लेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व बैंक ने हाल ही में कितने विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर देने की घोषणा की है, 160 अरब डॉलर मदद देने की घोषणा की है। ऑप्शंस हैं 20 देशों को, 50 देशों को, 70 देशों को या 100 देशों को। इसका सही उत्तर है डी 100 देशों को। इसके तहत विश्व बैंक ने हाल ही में 100 विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर रुपए की मदद की घोषणा की है और यह राशि 15 महीने की अवधि में दी जाएगी। इस राशि से देशों को वैश्विक संकट से उबरने में काफ़ी मदद मिलेगी, जो अभी पैंडमिक सिचुएशन में काफ़ी डाउन हो गई है सारे देशों की इकोनॉमी, इससे उबरने में इससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में।